बाड़मेर के बालोतरा स्थित मंडापुरा सरपंच डालाराम प्रजा पर जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। सरपंच डालाराम 22 मार्च से ही ग्रामीणों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा घर घर जाकर दवा का छिड़काव भी कर रहे हैं। सरपंच डालाराम के निर्देश पर 135 लोगों की स्क्रीनिंग करवाई गई। इसी के साथ 130 जरूरतमंद परिवारों को 7 दिन की राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। हमारे साथ है मंडापुरा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच डालाराम जी, जो लगातार लॉकडाउन को लेके लगातार संवेदनशील नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने गांव में लगातार गरीब तबके के लोगों को खाद्य सामग्री के किट भी वितरण किए हैं एवं लगातार पूरे गांव को सैनिटाइज कराया गया है। सर, कितने लोगों को आपने ये किट वितरण किए? किट करीबन मेरे पास 125 का मैंने वितरण कर दिया है, जिसके अंदर कम से कम एक परिवार के 5 दिन की खाद्य सामग्री इसमें शामिल है, आटा वगैरह सब मिला है। और पूरे गांव को आपने सैनिटाइज कराया है? सैनिटाइज के लिए मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति भी ले रखी थी, क्योंकि मेरे पूर्व में टीवी वगैरह पर देखा था मैंने कि जरूरी है। तो हाइपोक्लोराइड का छिड़काव मैंने अपने स्तर पर और कुछ भामाशाह का किशोर सिंह कानोड का भी सहयोग लेके यहाँ करवाया, कुछ पंचायत के खर्चे से भी ये काम करवाए। और पंचायत के क्या क्या जो है कार्य है जो अभी वर्तमान में लॉकडाउन में पहले मैंने सब मेरे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा सहयोग दिया। हमारे ग्राम सिंह जी वगैरह, सब सुरेश सिंह जी वगैरह और ये जो सहयोगी लगे हुए हैं, उन्होंने सर्वे करवाया पूरे गाँव का कि इसमें वास्तविक गरीब कितने हैं, कितनों को खाद्य सामग्री नहीं मिल रही, उनकी लिस्टें बनवाई मैंने, BBO विकास अधिकारी को भिजवाई कि इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने मुझे ये दिया कि अभी तक व्यवस्था नहीं है, आप अपने सिर्फ भामाशाह से सहयोग लो। तो हमने भामाशाह से सहयोग लेके भी लगभग 200 किट तैयार करवाए। मंडापुर के युवा सरपंच डालाराम प्रजापत मेरे सहयोगी सदाशिव के साथ सवाई से 7 TV बालोतरा बाड़मेर।